हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सैनी एंड वेलकम टू अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, नंबर सिस्टम नंबरिंग की दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसको नंबर के ज्ञाताओं ने चार भागों में डिवाइड किया है। ये चार भाग नंबर के सिस्टम अंदर है जो है, पहला जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम केजी वन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम चारों नंबर सिस्टम को कवर करेंगे और इनका बेसिक्स देखेंगे कि ये नंबर क्या होते हैं और कहां पे यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नंबर है हमारा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेके 9 मतलब कि टोटल 10 डिजिट्स का यूज होता है और इसके अंदर ही हम सारी हमारी अर्थमैटिक कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी कैलकुलेशन डेसिमल नंबर के अंदर ही करते आ रहे हैं और करते हैं। सारी मैथ की कैलकुलेशन डेसिमल नंबर के अंदर ही इन्हीं डिजिट्स का यूज करके करते हैं। डेसिमल नंबर के अंदर एक और खास बात है, यह है कि इसका बेस जो है 10 होता है, बेस या इसको हम बोले रेडिक्स, तो वो होता है 10। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स का यूज होता है, इस कारण इसका बेस या रेडिक्स 10 होता है और 10 बेस या रेडिक्स होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर के अंदर बात करें, कोई हमको नंबर लिखना है, अभी तक हम सिंपल लिख देते हैं कोई भी 3, 4, 5 कुछ भी, जैसे यहां पे मैंने लिखा है 3, 8, 9 और यदि हम नंबर सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो उसको ब्रैकेट लगाने के बाद उसके बाहर हमको 10 लिखना पड़ेगा। 10 शो करता है यहां पे उस नंबर का बेस या रेडिक्स। ठीक है, तो जब कोई नंबर लिखा हो और उसके ब्रैकेट के बाद हम 10 लगा दें तो वो हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये 10 कब लगाया जाता है, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तब। तो ये हमारा एक डेसिमल नंबर है जिसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स का यूज होता है, जिसका बेस या रेडिक्स 10 होता है। ठीक है, अब सेकंड जो आता है हमारा नंबर वो है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1 का यूज किया जाता है और जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस या रेडिक्स 2 होता है। बेस या रेडिक्स 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें ओनली 1 और 0 ओनली 2 डिजिट का ही यूज किया जाता है और इन दोनों डिजिट्स को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, दूसरा बाइनरी नंबर का जो यूज होता है वो हमारी जनरल कैलकुलेशन में नहीं होता, इसका यूज ओनली कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक्स, डिजिटल मीटर्स, कहने का मतलब जितने भी डिजिटल ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं वो पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, फिर वो कंप्यूटर की प्रोसेसर में फीड होता है और कंप्यूटर से आउटपुट होता है, निकलता है, वो भी बाइनरी नंबर के फॉर्म में ही आउटपुट आता है, फिर वो बाद में अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल मीटर, कहने का मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जिनमें सब में यूज होता है, इसके अंदर ओनली 0, 1 डिजिट्स का यूज होता है, 2, 3, 4, 5, 8, 9 का नहीं होता, इसका बेस 2 और रेडिक्स 2 होता है। इसमें जब किसी नंबर को लिखा जाता है तो उसको हम लिखते हैं 1010 कुछ भी लिखे और ब्रैकेट के बाहर हम इसमें लिख देते हैं 2, तो ये बन जाता हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हो गया बाइनरी नंबर। अब थर्ड देख लेते हैं हम, क्या ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक, 0 to 7 कहने का मतलब टोटल 8 नंबर का यूज होता है, इस कारण इसका बेस या रेडिक्स 8 होता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें 0 to 8 का यूज क्यों होता है, तो वो जिसने ऑक्टल नंबर बनाया, जिसने नंबर सिस्टम का विभाजन किया, वो ही जाने कि इसने 8 नंबर क्यों रखे। बट ऑक्टल में 0 to 7 नंबर का यूज, मतलब टोटल 8 नंबर यूज होता है, जो बना है हम उसको पढ़ रहे हैं। और ऑक्टल नंबर का अंदर यदि किसी नंबर को लिखे तो 2, 5, 7 जैसे एग्जांपल है, ब्रैकेट में बाहर 8 लिखना पड़ता है बेस के फॉर्म में, तो ये ऑक्टल नंबर बन जाता है। इसमें 0 to 7 होते हैं,
8257 कभी नहीं आता, 9 कभी नहीं आता, ठीक है, ऑक्टल नंबर। और फोर्थ पार्ट जो है नंबर सिस्टम का वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर 0 से लेके 16, ठीक है, 0 to 16 तक के नंबर का यूज होता है, इस कारण इसको हेक्साडेसिमल या हेक्स नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें नंबर कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक 10 डिजिट तुझे हो जाती है, इसके बाद 10 जो नंबर आता है उसको 10 नहीं लिखते, 10 को ना लिखते हम उसको लिखते हैं ए, 11 को लिखा जाता है बी से, और 12 को लिखा जाता है सी से, 13 को लिखा जाता है डी से, 14 लिखा जाता है आपका ई से, और 15 को लिखते हैं हम एफ से। तो 0 to 15 मतलब कि 0 से लेके 15 मतलब कि टोटल 16 डिजिट्स इसके अंदर आती है, किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। इस कारण इसका बेस या रेडिक्स बोले हैं वो 16 होता है, और इसके अंदर जब कोई नंबर लिखा जाता है जैसे 4B8E कुछ भी लिखे हैं तो यहाँ बेस में 8 16 लिख देते हैं, इस कारण बन जाता है हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर का जनरली जो यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर आए पहले वो माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर बने हैं, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर का यूज माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है और अभी भी किया जाता है, और इनको हम हेक्स कोड या हेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था, वीडियो था नंबर सिस्टम के बारे में, जो हमने यहाँ पे जाना कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर में इसको डिवाइड किया है, पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 मतलब टोटल 10 डिजिट का होता है, बेस 10 होता है। बाइनरी में 0101 ओनली 2 डिजिट, जिनको बिट बोलते हैं, तो इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल में 0 to 7 टोटल 8 डिजिट, तो इसका बेस 8 होता है। और हेक्स में 0 to 15 कहने मतलब टोटल 16 टोटल, इस कारण इसका बेस 16 होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि इनका कन्वर्जन सीख लेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन करना भी सीखेंगे हम अगली वीडियो में। अब हम स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, और इनका वाइस वर्सा सभी का एक दूसरे से कन्वर्जन की वीडियोस आगे हम देखेंगे। और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप देखें, अगली वीडियोस को, और आपसे रिक्वेस्ट है वही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और इसी प्रकार की अगली वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।